भाषा अपनी भाषा की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, होली एक खुशियों और रंगों भरा त्यौहार है। इसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ हैक्स, जिसको यूज करके आप अपनी होली को मजेदार और सेफ होली बना सकते हैं। मम्मी जी, हम जाएंगे जो होली खेलने? हमारे सारे दोस्त भी नीचे आ गए, हमें बुला रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं जाना होली खेलने। क्यों? अभी तुम तैयार नहीं हो, इधर आओ, मैं तुमको तैयार करती हूँ। कलर खेलने से पहले हमें बालों को और फुल बॉडी को ऑयल से कवर कर लेना चाहिए, जिससे हमारे कलर आसानी से निकल जाएं और हमारे बाल भी ड्राई नहीं होंगे। अब जाओ होली खेलो तुम आराम से। अरे वाह मम्मा, थैंक यू, आपने मेरे प्यारे बालों को खराब होने से बचा दिया। जाओ अभी आराम से होली खेलो बिंदास। अरे वाह, आपने तो मेरी प्यारी स्किन को खराब होने से बचा लिया मम्मी। होली एक खुशियों और रंगों भरा त्यौहार है। इसमें सबसे पहले बात आती है रंगों की। जो हमें मार्केट में मिलने वाले कलर हैं, उसमें केमिकल भरा कलर को ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए उसमें ग्लास पाउडर का भी यूज करते हैं। तो आज आपको मैं एक ऐसा कलर बना के दिखाऊंगी जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सेफ है और घर में ही मिलने वाली चीज़ों से आसानी से बन जाता है। तो ये कलर बना के आप अपनी होली को मज़ेदार और सेफ बना सकते हैं। कलर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें 2-3 ड्रॉप लिक्विड कलर डालेंगे एक चम्मच के करीब, और इसमें मैं 2-3 चम्मच के करीब पानी ऐड करूंगी। ये मैंने 4 बड़े चम्मच अरारोट पाउडर लिया है, आप इसकी जगह चावल का आटा या फिर मैदा भी ले सकते हो। पानी आप इसमें धीरे धीरे मिलाना, एक साथ में पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है इसका। इसको अच्छे से चम्मच से दबा दबा के इसमें जो गुठलियाँ बन गई है इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये देखिए हमारा कलर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। प्लेट पे ऐसे फैला के रख देते हैं, ड्राई हो जाएगा। 20 मिनट हम ऐसे ही रख देते हैं। एक और मैं आपको मज़ेदार कलर बना के दिखाती हूँ जो हमारे किचन में ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये मैंने 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, 2-3 चम्मच पानी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये मैंने 4 बड़े चम्मच चावल के आटे ले लिए हैं, इसको भी डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसे चम्मच की मदद से दबा दबा के इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कलर बनके तैयार हो गया है। इसमें आप खुशबू के लिए परफ्यूम भी डाल सकते हो या फिर इत्र आता है वो भी डाल सकते हो। इसको भी अभी हम आधा घंटे के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं, ये भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा। एक और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर बना के दिखाऊंगी। ये मैंने धनिया का पत्ता ले लिया है, इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है, इसका हम सारा जूस ऐसे दबा के निकाल लेंगे। अब ये जो धनिया का जूस निकाल के रखा था इसको डाल देंगे इसमें हम। और ये मैंने 4 चम्मच के करीब मैदा लिया है। हमारा ग्रीन कलर बहुत अच्छे से कलर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कलर आया है धनिया पत्ता और मैदा का। इसको भी अभी हम आधे घंटे के लिए प्लेट पे रख देते हैं सूखने के लिए। बहुत मजा, गुलाब जामुन, यम्मी, मजा आ गया। अरे अनु, ये क्या किया तूने? पूरा कलर गिरा दिया है। तुझे पता है ना मम्मी को सब गंदगी नहीं पसंद, अब तो तुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी। होली के टाइम कितना भी बचाओ लेकिन बच्चे ऐसा गंदा कर ही देते हैं। सबसे पहले हमें इसको झाड़ू से सूखा कलर निकाल लेना है। टाइल्स का कलर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी एक हम सूखा कपड़ा लेंगे और इसमें इस तरह डिप करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी कलर लगा है इस तरह इसको हम पोंछ देंगे, सारे कलर आराम से निकल जाएंगे। तेरा चेहरा पूरा लाल क्यों पड़ा है? अरे यार, केमिकल्स जो है ना मुझे निकलने का नाम ही नहीं लेते। मैंने कितना रगड़ी
बनी लेकिन निकली नहीं। अरे यार इसके लिए मैं बोल रही थी ना, जब मम्मा तुझे ऑर्गेनिक होममेड टाइल्स ऑफर कर रही थी तो तुझे वो लेना था। नहीं लेकिन तुझे तो सिर्फ केमिकल यूज करना है। मेरी यार थोड़ी दूसरे लोगों ने मुझे ऐसा कलर लगाया जो निकलता ही नहीं है। मम्मा के पास जरूर कोई हैक होगा जो ये तेरा कलर 2 मिनट में निकाल देगा। तब तो मैं मम्मी के पास अभी के अभी जा रही हूँ। होली के पक्के कलर को स्किन से कैसे हटाएं? तो आज मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक घरेलू उपाय। 2 चम्मच दही ले लिया है और ये 1/2 नींबू का रस ले लिया है। इसको दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। नींबू में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे कलर आसानी से निकल जाता है, और दही में मॉइस्चराइजर होता है तो हमारी स्किन ड्राई भी नहीं होती है। तो ये देखिए हमने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अभी हम फेस पे या फिर जहाँ भी हमारे बॉडी में कलर लगा हुआ है इसको लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर नॉर्मल वाटर से धो लेंगे तो हमारे सारे कलर आसानी से निकल जाएंगे। अब होली है, होली में अगर ठंडाई ना बने तो होली का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके घर में कितने भी मेहमान आ जाएं आपकी ठंडाई कम पड़ेगी ही नहीं। सबसे पहले हम ठंडाई का मसाला बना के तैयार करेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है। 2 चम्मच के करीब सौंफ ले लिया है। ये 2 चम्मच मगज के बीज हैं। 1 चम्मच खसखस है। ये 10 से 12 खड़ी काली मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 4 से 5 इलायची ले लिया है, 4 से 5 लौंग ले लिया है। सारी चीज़ों को हम गैस को स्लो करके अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। मसाला हमने हटा दिया, ठंडा हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भून के तैयार करेंगे। ये मैंने एक कटोरी के करीब ले लिया है बादाम, 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी चिरौंजी और 1 कटोरी ये पिस्ता ले लिया है। लो फ्लेम पे अच्छे से भून के तैयार करेंगे। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, बट भूनने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए जो हमने मसाले भून के रखे थे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अभी इसका हम मिक्सर में पाउडर बना लेते हैं, तब तक हमारा ड्राई फ्रूट भी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बना लिया है। ये हमने ड्राई फ्रूट का भी पाउडर बना लिया है और ये जो मैंने पहले पाउडर बना के मसालों का रखा था। अभी दोनों चीज़ों को हम एक ही में मिक्स कर देंगे। ये हमारी ठंडाई का मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। अभी आप इसमें बंद करके ये मसालों को आप 6 महीने से साल भर तक फ्रिज में रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और होली के दिन अगर आपकी ठंडाई ख़त्म हो गई तो आप सिर्फ बॉयल दूध कीजिए और उसमें 2 चम्मच मिलाइए, आपकी तुरंत ठंडाई बन के रेडी हो जाएगी। ये मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, इसको उबलने के लिए रख दिया है। इसमें मैं और फ्लेवर लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ केसर, इससे कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 कटोरी शक्कर लिया है, ये डाल देती हूँ। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए, हमारे दूध का कलर तो देखिए कितना अच्छा आया है। तो अभी इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको हम अच्छे से मिला देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुका है, हमारी ठंडाई बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसका पीने में मज़ा आएगा। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार ठंडाई बन के तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस होली, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप होली मनाइए और सेफ होली मनाइए। बाय बाय।